हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। गाइस, आज ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। आज हम बात करेंगे बैकफुट डिफेंस, बैट्समैन बैकफुट डिफेंस कैसे कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारी डिफेंस होते हैं, ड्राइव होता है गाइस, ये बेस होता है बैटिंग का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स मारते हैं हम, उड़ाते हैं बॉल या अपना एग्रेसिव खेलते हैं, उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है अपना डिफेंस। तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैसे आप बैकफुट डिफेंस कर सकते हो। फ्रंट फुट डिफेंस के लिए मैंने वीडियो बनाया, आई बटन पे दे दूंगा, वो भी जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये वीडियो देखो, फिर वो देख सकते हैं आप। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, बैकफुट डिफेंस के लिए मैं आपको ड्रिल बताऊंगा, उसके लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो, क्या क्या जरूरी है बैकफुट डिफेंस जब भी आप करोगे, आपकी पोजीशन क्या रहेगी, हेड की पोजीशन क्या रहेगी और कैसे आपको बैकफुट डिफेंस करना है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप स्टांस लोगे तो हमेशा, जैसे मैं स्टांस ले रहा हूँ, हम लेग स्टंप पे स्टांस लेते हैं, गार्ड लेते हैं मतलब, और हमारा ये लेग लेग स्टंप पे रहता है, जैसे ये वाला है, हमेशा आपको पीछे, ये वाला लेग आपका पीछे जाएगा क्योंकि बॉल पीछे होती है। बैकफुट डिफेंस कौन सी बॉल पे करना है, जो बॉल पीछे आती है, शॉर्ट बॉल होती है उसी पे करना है। तो सबसे पहले आपका ये वाला लेग पीछे जाएगा, ये वाला लेग आपको ऑफ स्टंप पे जाएगा, ये हमारा ऑफ स्टंप है गाइस, ये यहाँ पे आ जाएगा। सबसे बेसिक सी चीज़ें, इसलिए सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, जैसे आप स्टांस लोगे तो हमेशा हेड आपका स्टिल रहेगा, हेड में कोई भी चेंज नहीं होगा, हेड आपका ऐसे नहीं गिरना चाहिए बैकफुट डिफेंस करते हुए। बहुत भाई ऐसे नीचे डाल देते हैं, पीछे बॉल है, हेड स्टिल रहेगा, सिर्फ आपका पैर ये जाएगा और पैर हल्का सा आपका कर्व रहेगा, पैर में आपको बिल्कुल सीधा नहीं करना, हल्का सा आपका पैर मुड़ा हुआ रहेगा और ये लेग आपका पीछे आ जाएगा। और गाइस, हमेशा कोशिश करना है कि बॉडी आपकी साइड ऑन रहे, आपके दोनों चेस्ट ओपन ना हो बैकफुट डिफेंस करते हुए, क्योंकि गाइस अगर बॉडी पूरी खुली रहेगी तो उससे स्पेस ज़्यादा कवर हो रहा है और बैट भी पूरा, एज लगने का उतना ही खतरा रहेगा, एज लगने का उतना ही खतरा रहेगा। इसलिए कोशिश करो, ये वाला शोल्डर आप कभी भी सामने मत दिखाओ बॉलर को, मतलब अंपायर को ना दिखे, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। और ये लेग भी आपका पीछे आएगा, जहाँ हमारी एडी है ना, ये वाला लेग भी पीछे आएगा और जितना हो सके बॉडी के क्लोज करना है, बैकफुट डिफेंस बॉडी के क्लोज होगा और बैट का फेस हमेशा नीचे रहेगा और ये वाला हाथ टाइट रहेगा। अभी मैं आपको दिखा दूँ कैसे आना है बैकफुट डिफेंस के लिए, ये आपका स्टांस रहेगा तो पीछे आना है ये गाइस, और मेरी आंखों के नीचे है बैट भी, बॉल भी दिख रहा है आता हुआ और बैट भी आंखों के नीचे, ये नहीं कि आपने ऐसे फेस में बंद किया हुआ है तो ना आपको बॉल दिखेगा और एज लगने का उतना ही खतरा है। तो कोशिश करो कि, और बैट के ऊपर वाले हिस्से में होता है हमारा, अगर नीचे वाले हिस्से में तो उसको पंच कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे मिडिल में है बॉल, जैसे बॉल थोड़ा सा मिडिल में, तो ये पंच हो सकता है यहाँ से, अगर स्टिकर के इस वाले एरिया में लग रहा है तो बैकफुट डिफेंस ही है गाइस, वो बॉल ऊपर ही है मतलब डिफेंस ही होगा। और कोशिश करो जब भी आप आओगे तो हेड आपका स्टिल रहेगा, ऐसे हेड ऐसे नहीं डालना है, स्टिल रहेगा और पीछे आना है पैर, फिर आपका पीछे आएगा और हेड स्टिल है गाइस, मेरा हेड स्टिल है, देख सकते हो आप। लास्ट में आपको ड्रिल बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा इस ड्रिल से। सबसे पहले आपने ये अच्छे से समझ लो, मैं बता के आ रहा हूँ इसमें, फिर आपको उतना ही आसान होगा बैकफुट डिफेंस जब आप करोगे। और गाइज, मैं आपको ऑफ स्टंप पे आने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा, अगर आप दूर से ये वाला बॉल डिफेंस करोगे तो एज लगने का उतना ही खतरा है। तो यह आप ऑफ स्टंप पे आ जाओगे तो आपका एरिया कवर हो जाएगा, अगर इधर बॉल है तो आपको ऐसे उसको ग्लांस भी कर सकते हो, पीछे आराम से चार मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऑफ स्टंप पे पैर आना चाहिए, उसका आपको पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा, बाहर है तो वाइड हो जाएगा वो, ये इसलिए पूरा एरिया कवर करना है। और पैर दोनों बैंड क्यों रहेंगे, पैर हल्के से बैंड रहेंगे तो आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी डाउन हो सकते हो, अगर आपके पूरे स्टील है तो आप ऐसे लगने का खतरा उतना ही ज़्यादा है बॉल का, अगर इसलिए बैंड है तो आप आराम से बैठ भी सकते हो, अगर डिफेंस है तो आराम से छोड़ भी सकते हो, बॉल दिखेगा, पूरा आपका मूवमेंट में रहेगी बॉडी, अगर पैर आपके ऐसे थोड़े थोड़े से बैंड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैर को बैंड करना। और ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप ड्रिल देखो, ड्रिल के बाद फिर आपसे मिलते हैं, ड्रिल ध्यान से देखना कैसे कैसे आपको ड्रिल करनी है। गाइस, जो मैंने आपको भी ड्रिल बताया, वो ड्रिल स्टार्टिंग में जो भी आपको पार्टनर बॉल सर्व करेगा वो आपको फुल टॉस सर्व करेगा, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, उससे फ़ायदा क्या होगा, स्टार्टिंग में जितना भी हम बेसिक से करेंगे मतलब जितना भी इजी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आप उसको अपना ओवरआर्म भी कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आपको करना है फुल टॉस जैसे मैंने आपको दिखाया, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलनी है, जितनी ज़्यादा खेलोगे उतना आपका बैकफुट डिफेंस क्लियर हो जाएगा। और पीछे आना है हर बॉल पर, जैसे मैंने आपको बताया हर बॉल पर पीछे आना है, एरिया आपका कवर हो जाएगा और उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा जैसे मैं आपको अभी दिखाया। और ये कितना करना है गाइज, 50 से 100 आपको करना ही करना है,
एक सेट में 50 या तो 100, स्टार्टिंग में 50 कर सकते हो, धीरे धीरे आप 100 और तीन से चार सेट ज़रूर निकालें, जब जाके आपके बैकफुट डिफेंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी अच्छे बैट्समैन ना ही अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्रिकेट विद विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।